ये कौन थी? रिश्ते के लिए आई थी, अब ये बड़ी हो रही है, इसकी शादी की फिक्र करें। हमारी बेटी की शादी तब होगी जब ये मुकम्मल समझदार हो जाएगी, ताकि अपना और अपने आने वाली नस्ल का सही फैसला ले सके। और जो जल्दबाजी हमारे साथ की गई, हम अपनी बेटी के साथ हरगिज नहीं होने देंगे। एक भाई के टशन। अच्छा अच्छा, तो आपने ये भी किया? ये होता क्या है? अच्छा, आप लोग इंटर्नशिप के लिए आए हैं? जी। आप पढ़े लिखे नौजवान हैं और हमें पढ़े लिखे नौजवानों की बहुत जरूरत है। थैंक यू सर। हम आपको हमारे सबसे सीनियर कारकुन के साथ काम करने का मौका देंगे। उम्मीद है आप उनसे बहुत कुछ सीखेंगे। और उनका नाम है डैनी। उए, ये वो बॉलीवुड फिल्मों वाला डैनी तो नहीं? ये मजदूर का हाथ से काट दिया, लोहे का आकार बदल देता है। ओ भाई, डैनी साहब हमारे कसाई लीग्स के चेयरमैन हैं। हैं? कसाई लीग्स? जी हाँ, जैसे विकी लीग्स, पनामा लीग्स। देखें देखें मियां साहब, आपने असल मसले का नाम तो अब लिया। पनामा लीग्स। जल्दी जल्दी रसीदें दें मियां साहब, रसीदें दें। मैंने कहा ना, ये जरा मुख्तलिफ काम है। इस काम में जिन लोगों का नाम आता है उन्हें सबसे ज्यादा इंसेंटिव मिलता है। वो कैसे? और जो करप्शन में टॉप करता है वो कसाई लीग्स का सदर बन जाता है। वैसे ये चेन असली है? वैसे ये तो काम उल्टा नहीं हो गया जरा? वेलकम टू QBA। अब आप लोगों का मुस्तकबिल भी हमारी तरह रोशन है। डैनी साहब के आने का टाइम हो गया, आप उन्हें बाहर जाके मिल लें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। साहब जी, बेगम साहिबा अंदर गई हैं। कितनी देर हुई है? तकरीबन साहब जी 3 मिनट हो गए। और तुम मुझे अब बता रहे हो? ओ साहब जी, बस वो ख्याल ही नहीं रहा। क्यों, नशा करते हो? ओ नहीं साहब जी, मैंने जिंदगी में कभी नशा नहीं किया। तुम्हारी हरकतों से यही लगता है कि तुम ठीक कह रहे हो। साहब जी आप तो बादशाह हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। बहरहाल मैं तुम्हें बता दूं, शहनाज जब भी तुम्हारे साथ बाहर जाए उसकी एक एक हरकत पे नजर रखो। ठीक है साहब जी, आप बेफिक्र हो जाएं। अभी बेगम साहब गाड़ी में ना किसी से बात कर रही थी, तो मैं अपने फ्रेंड के घर जा रही हूँ। फ्रेंड, इसका टाइम भी नोट करना कि ये कितनी देर इधर रहती है। ठीक है साहब जी, जैसे आपका हुक्म। Thank you.
देखती हूँ कि लॉकर में पेपर्स पूरे हैं या कम। इसी से मुझे पता चल जाएगा कि कोई गड़बड़ है या नहीं। आखिर जिसने भी मुझे अगवा किया, मुझ पर जुल्म किए, उनका कोई ना कोई मकसद तो होगा ना। कुछ तो चाहते होंगे वो लोग। कैसे पता चलेगा लॉकर में रखे गए पेपर से? ड्राइवर, गाड़ी बैंक की तरफ लेके चलो। जी बेगम साहबा। अब आंखें खोल कर ध्यान से चलाना, कहीं फिर कोई हादसा ना हो जाए। खुदा भला करे बेगम साहबा, कैसी बातें कह रही हैं आप। हाँ तो और क्या, पहले तो शुक्र है कि मैं बच गई। अगर अब हादसा हुआ ना तो ना तुम बचोगे ना मैं। बस बेगम साहबा, बाज दफा किस्मत साथ नहीं देती, वरना मेरे जैसा होशियार आदमी और ऐसा वाकया हो जाए। बातें कम करो, ध्यान दो ड्राइविंग में। जी बेगम साहबा। पेपर्स तो पूरे लग रहे हैं, फिर क्यों मुझे लग रहा है कि कुछ है जो नहीं है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। क्या था वो? फिकर ना करें, मैं देखता हूं क्या मसला है। इनकी फोटोकॉपीज भी आपके पास है ना? आपको फौरन पता चल जाएगा ना अगर इसमें से कुछ पेपर्स मिसिंग हुए तो। ना भी हो तो हम वकील लोग सब समझते हैं। वकील साहब, मैं बहुत परेशान हूं। इतनी मुश्किलात काटने के बाद भी ये खदशा है कि ये मेरा वहम ना हो। आई डोंट नो। आप टेंशन ना लें, हम दिफा कर सकते हैं। मैं अभी क्लियर कर देता हूं। दिफा तो तब करेंगे ना जब कुछ सामने आएगा। जब सामने आएगा तो उसे गलत साबित करना मेरा काम है। आपको अपने वकील पर भरोसा होना चाहिए। ठीक कह रहे हैं आप। आपको कानूनी मालूमात हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। हमारा काम ही मुजरिम को बेनकाब करना है। बस ये मुजरिम लोग बहुत शातिर और सहीन होते हैं वकील साहब। मुजरिम कितना ही शातिर क्यों ना हो, वो कानून को शिकस्त नहीं दे सकता, क्योंकि उनकी नीयत गलत होती है और गलत इरादों की दुनिया बहुत मुख्तसिर है। डोंट वरी।
जल्दी बोलो क्या बात है साहब जी। अब आपको हर वक्त जल्दी की क्यों पड़ी होती है? काम की बात करो। बात काम की है साहब जी, हमारा भी काम होना चाहिए। आपके खादिम है, आपके गुलाम है साहब जी। हर हफ्ते आपका प्यार हमें मिलता रहे, मुझ गरीब को और क्या चाहिए। प्यार मिलता रहेगा तुम्हें, मगर अपने मकसद को ना भूलना। और इसी सिलसिले में तो मैं शहनाज को यहाँ लेकर आया हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा, कहाँ लेकर आए हो शहनाज को? बुढ़िया वकील के ऑफिस में आई है अपनी जायदाद के पेपर लेकर। तो यहाँ खड़े मत रहो, जाओ और जाकर उनकी बात सुनो। और हाँ, मुझे उसकी हर बात की खबर मिलनी चाहिए। बॉस टेंशन ना लें, बाबर अपने काम अधूरे नहीं छोड़ता। बेखबरी बहुत बुरी चीज है, और उसी चीज का फायदा उठाकर मैं बुढ़िया को धूल चटाऊंगा। बस आप मेरा माल मुझे पहुंचा दें। हाँ हाँ ले जाना, अब जाओ अंदर, जाकर देखो अंदर चल क्या रहे, जाओ। ओके बॉस। क्या मेरी बातें सुन रहे हो? ड्राइविंग पे ध्यान दो, हर वक्त तुम्हारी तवज्जो मेरी बातों की तरफ होती है। सॉरी बेगम साहबा। बेगम साहबा अब कहाँ जाना है? घर चलो। तो ठीक है जी। जी बेगम साहबा, माल रोड तक जाना है। मैं समझा शायद आपने एसपी ऑफिस जाना है। अपने काम से काम रखा करो। बेगम साहबा मैं पेशे के लिहाज से ड्राइवर जरूर हूँ, लेकिन हर बड़े आदमी को जानता हूँ। मैंने तुमसे सबके सर्टिफिकेट नहीं मांगे। पुलिस का क्या है, वो तो किसी को भी पकड़ के गायब कर देती है और मुकर जाती है। क्या क्या कहा तुमने? बेगम साहबा मेरे हिसाब में तो यही बात आती है। कैसी बात? हासिल साहब भी अंदर ही हो सकते हैं। ये भी तो हासिल की सिफारिश पर रखा गया था, हो सकता है कि ये ठीक बोल रहा हो। तुम हासिल का पता चलाओ। बेगम साहबा मुझे पूरा यकीन है कि हासिल साहब पुलिस की तहवील में होंगे। तुम ये यकीन से कैसे कह सकते हो? बेगम साहबा कभी भी कोई काम करवाना हो तो इस बंदा ना चीज को याद रखिएगा। अच्छा अच्छा, ध्यान से गाड़ी चलाओ। जी ठीक है। साहबा ये टेलर से आपके कपड़े ले आए हैं। रखता। सुनो। जी बेगम साहबा। तुम्हें एक काम कहा था। जी मुझे याद है। याद है कि कुछ किया भी है? बेगम साहबा मैं खुद जाकर हासिल साहब से मिलकर आया। क्या, मुझे पूरी बात बताओ। बेगम साहबा पुलिस ने हासिल साहब को कैदी बना के रखा हुआ है। क्या सच कह रहे हो? एकदम सच। पर क्यों, हासिल ने क्या कोई जुर्म किया होगा? एकदम साहबा मुझे तो ये कुछ साजिश लगती है, वरना हासिल साहब की तो जमाना गवाही देता है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। मैं तो बेगम साहबा उनकी हालत देख के आया हूँ। अल्लाह तौबा, मुझसे तो उनकी हालत देखी नहीं गई। वो किस पुलिस स्टेशन में? बेगम साहबा वही पुलिस स्टेशन जिसमें आपकी गुमशुदगी की एफआईआर कटाई गई थी। मुझे तो ये घिनौना काम उन्हीं लोगों का लगता है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। बेगम साहबा मेरे लिए कोई और हुक्म? अभी कुछ नहीं,
अभी तुम जाओ। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।